नमस्ते मित्रों, आज हम उड्यान बन पे बात करेंगे। उड्यान का मतलब होता है उठना, उड़ना, ऊपर की तरफ उठना। उड्यान बन विष्णु ग्रंथि को खोलकर प्राण के फ्लो को सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ ले जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। ये हमारे पेट में, या समझिए पूरे इस ट्रंक में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है, चाहे वो लीवर हो, पैनक्रियाज हो, हमारा हार्ट हो, हमारे बड़ी आँत, छोटी आँत, सब की को की मसाज करता है सारे ऑर्गन्स की, और वहाँ पे रक्त के, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। इसलिए ये हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, चाहे वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो। ये प्रोस्टेट ग्लैंड या यूट्रस के लिए भी बहुत उपयोगी है। चाहिए उड्यान बंद हमेशा खाली पेट किया जाता है। 6 से 8 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। उड्यान बंद को हमेशा बाह्य कुंभक में करना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाहर सांस छोड़कर ये बंद किया जाता है। इस बंद के साथ जालंधर बंद लगाना अनिवार्य है। जालंधर बंद के ऊपर मेरा वीडियो है, आप आई बटन में देख लीजिएगा। बंद के दौरान आपका ध्यान मणिपूरक चक्र पर होना चाहिए। इसको आप 3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और 10 बार तक कर सकते हैं। इसको हल्का के बढ़ाकर 10 राउंड तक ले जा सकते हैं। इस बंद को बनाने से आपको नौली क्रिया बनाने में आसानी हो जाती है। इसको 2 तरह से किया जाता है, एक तो खड़े होकर और दूसरा बैठकर। पहले हम खड़े होके करेंगे। खड़े होके आपने थोड़ा सा पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला ले लीजिएगा अपनी हाइट के अनुसार, और हल्का सा नी बैंड करके हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे और आगे झुककर वही जालंधर बंद भी इसमें लगाएंगे। सांस को नाक से भर के मुंह से छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही रोक के रखेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। उड्यान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, जितनी देर सांस रोक सकते हैं। और उसके बाद पहले हम उड़ियान बंद को छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद को, और फिर उस सांस को अंदर भर लेंगे। इस तरह से आप शुरू में 3 राउंड कीजिएगा। उसके बाद उसके राउंड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, आप मैक्सिमम 5 से 6 बार तक कर सकते हैं। चलिए अब बैठ के देख लेते हैं बैठ के इसको कैसे करना है। बैठ के आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं आप। हाथ अपने अपने घुटनों पे इस तरह से रख लेना है, और जैसे मैंने बताया था जालंधर बंद अनिवार्य है। आपने सांस भरनी है नाक से और मुंह से छोड़कर बाहर रोक के रखनी है, फिर बंद लगाना है। देखिए अब सांस को बाहर रोक दिए और आपने हाथ सीधे कर लिए, कंधे उठा दिए और जालंधर बंद लगा दिया, यूं कर दिया। फिर आपने उड्यान बंद लगाया। सांस को बाहर रोककर उड्यान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद भी लगाएंगे, हाथ सीधे और पेट को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे। थोड़ी देर के बाद पहले उड्यान बंद को रिलीज़ करेंगे, फिर जालंधर बंद को, और फिर हमने सांस भर लेनी है। जिनको डायफ्रामिक हर्निया है जो यहाँ होता है, वे लोग इस बंद का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिनको कोलाइटिस है, जिनको गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है, एसिडिटी है, जिनको स्टमक और आंतों में अल्सर है, वे लोग भी इस अभ्यास को, इस बंद का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।